नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल म्यूजिकल बिलियनेयर पे। मैं हूँ सुमन सरकारी, प्रोफेशनल गिटारिस्ट एंड क्लासिकल सिंगर। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने फिर से लेकर आए हैं। एक्चुअली क्या हो रहा था, पिछले कई सारे वीडियोस में लोग पूछते जा रहे थे इस बारे में, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल बिट अलग है मेरे चैनल के जो टॉपिक से म्यूज़िक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोज भी है। आज हम लोग बात करेंगे डांस के बारे में कि डांस में कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी, थोड़ा सीट के बारे में भी बात करेंगे, एग्जामिनेशन मोड्स के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि मैं इसी तरह के जो है वीडियोस म्यूज़िक से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करें डिप्लोमा के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग जो है आपका डिप्लोमा से ही होगा। तो डिप्लोमा जो है चीज़ें जो है, जैसे डांस हो गया, डांस के थोड़ा सा स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप डांस में इंटरेस्टेड है, तो डांस जो है गाइस वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये कई सारी यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड कराती है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हो गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं और ओनली इंडियन क्लासिकल डांस ही सिखाया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बॉलीवुड स्टाइल वगैरह कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप एकदम सजग हो जाइए इस बारे में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। इसमें प्योरली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वेदर इट इज़ नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, दो ही चीज़ जो है मेनली सिखाया जाता है यूनिवर्सिटी में। एक पहला हो गया भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का मेन जो है क्लासिकल डांस है, और एक कथक हो गया जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में जो है बात करेंगे आज हम लोग। और एक्चुअली ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में इन्हीं दो चीज़ों पे ही फोकस किया जाता है, और मैक्सिमम जो है इन्हीं दो ही चीज़ों का ही कोर्स है। आप इसी में एम ए कर सकते हैं, डिप्लोमा BA PhD तक जा सकते हैं। तो ये दो चीज़ हो गई कि पहला तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत आती है, और सेकंड इसमें भरतनाट्यम और कथक और इंडियन क्लासिकल डांस ही इसमें होंगे। और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि कथक और भरतनाट्यम के अलावा भी और सारे जो है चीज़ें ये प्रोवाइड कराती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में उस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करना होगा, उस यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग ऑफ आर्ट्स का जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको जो है सर्च करना होगा कि वाकई में ये डिप्लोमा कथक और भरतनाट्यम को छोड़ के और चीज़ों में है कि नहीं। तो इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है गाइस, वो भी वेरी करता है, लेकिन जो एक नॉर्मल कोर्स ड्यूरेशन है, मतलब टाइम है कि कितने टाइम तक आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, तो उसका जो टाइम है गाइस वो 3 इयर्स का होता है। तो ये पार्ट टाइम डिप्लोमा है और ये 3 इयर्स का होता है, और लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से, कुछ लोग 2 साल का, 1 साल का। तो आपको इसके लिए भी यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके देखना होगा कि एक्चुअल में वो यूनिवर्सिटी कितने साल का डिप्लोमा प्रोवाइड करा रही है। लेकिन आपको बता दूँ, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स का ही होता है मैक्सिमम, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है। अभी मैं यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताऊँगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो एक्चुअली प्रोफेशनल डांसिंग कोर्स आपको प्रोवाइड कराती है। तो 3 इयर्स का कोर्स होता है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो कि एक नॉर्मल कोर्स है। साथ साथ अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी यूनिवर्सिटी से कथक या भरतनाट्यम या डांस का कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको याद रहे ये पार्ट टाइम डिप्लोमा होता है। पार्ट टाइम समझ रहे हैं, पार्ट टाइम मतलब आप इसके साथ अपना जो भी पढ़ाई वगैरह है, जॉब वगैरह है, जो कुछ भी करते हैं वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई चीज़ जो है आपको मैटर नहीं करेगी, आपको ये पार्ट टाइम ही करना है। और इसके क्लासेस भी गाइस रोज़ रोज़ नहीं चलते हैं। अगर आप सोच रहे हैं इसके क्लास रोज़ चलेंगे, तो क्लासेस रोज़ रोज़ नहीं चलते हैं, अल्टरनेटिव चलते हैं सप्ते में 3 दिन 4 दिन। तो ये भी वेरी करता है यूनिवर्सिटी पर, कौन सी यूनिवर्सिटी कितने दिन का कोर्स करा रहा है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या है किसी भी यूनिवर्सिटी में डांस में जो है डिप्लोमा करने के लिए? तो एलिजिबिलिटी यही है गाइस, जो जनरल कोटा है, मतलब जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व OBC जो आते हैं और जनरल, इन लोगों को अनरिजर्व कहते हैं, इन लोगों के लिए 55% मार्क्स 10th क्लास में होना चाहिए। अगर आप 10th क्वालिफाई हैं और आपके 10th के जो एग्ज़ाम है उसमें 55 मार्क्स है, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे भले ज़्यादा हो जाए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और ये केवल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, मतलब OBC एंड जनरल कैटेगरी। बट
एससी और एसटी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उन लोगों के लिए केवल पासिंग मार्क्स ही अवेलेबल हो तो उन लोगों का जो है एलिजिबिलिटी संपूर्ण हो जाता है। मतलब आप अगर एससी और एसटी कैटेगरी से और आप बस पासिंग मार्क्स लाते हैं तो आपका जो है एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा का फॉर्म भरने के लिए। ओके, इसमें अगर हम लोग सीट की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो के बारे में स्क्रिप्ट लिख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को पता चला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में उपस्थित है, तो इसमें मैंने पता किया कि डांस का जो डिप्लोमा में जो डांस है उसके लिए सीटें कितने हैं। तो मुझे को लमसम पता चला कि 50 सीट है, लेकिन 50 सीट ये 2020 के लगभग था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि इसके बढ़ने का भी आशंका है। तो आप मिनिमम 50 सीट मान के चलिए कि डांस में जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसमें 50 सीट है, तो उसी तरह के जितने भी यूनिवर्सिटी होगा उसमें भी लगभग 50 सीट ही होंगे डिप्लोमा के लिए। और ये डिप्लोमा जो है 50 सीट में इसमें भरतनाट्यम और कथक ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। ओके, ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई, सीट के बारे में बात हो गई। एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन देखिए, आपको पहले ही मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें आपको पता चला होगा कि एग्जामिनेशन दो मोड में होता है, पहला तो वाइवा लिखित रूप में और सेकंड प्रैक्टिकल रूप में। तो ये भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। मैक्सिमम देखिए, आप डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम्स होते हैं अगर उसमें प्रैक्टिकल भी होगा तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें पूछे जाएंगे, क्योंकि आप डिप्लोमा स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको कुछ आता नहीं है, वो लोग मान के चलते हैं। बस वो लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन है कि नहीं उसके बारे में, तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन के लिए कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ मूव्स जो है डांस के वो सीख सकते हैं जो अच्छे गुरु होते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें पूछा जाता है। मैक्सिमम दिखा गया है कि वाइवा होता है, उसमें पूछा जाता है कि क्या आप जानते हैं डांस के बारे में, तो वाइवा और प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आप डांस से है, कथक से है, तो तालों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जो कथक और भरतनाट्यम वो ताल पर ही चलते हैं, या तो ढोलक बजेंगे या तबला बजेंगे, मृदंग कुछ भी बज सकता है, आपको ताल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ताल के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछा जाएगा, ऑब्वियसली पूछा जाएगा, क्योंकि ताल ही मेन है कथक और भरतनाट्यम और इंडियन क्लासिकल डांस में, तो ताल के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ओके, तो अब आइए हम लोग बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन से है जिसमें कि आप डिप्लोमा इन डांस कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। तो देखिए, मैं मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस है और कॉलेजेस है उसी के बारे में बात करता हूँ। और सबसे पहला मेरे हमेशा टॉप पे रहता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंडियन क्लासिकल का बेस्ट फॉर्म ऑफ डांस आप सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो कि सिखाते हैं वो मतलब कि बहुत ही एजुकेटेड और मतलब गिने चुने ही होते हैं जो जिसको रखा जाता है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया। बनारस में ही एक और यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेट लेवल का यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। और थर्ड प्रायोरिटी मेरा हमेशा रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी में भी ये सारे कोर्सेज हैं जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU ये दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं, तो आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे से इस बारे में जो है कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो दिल्ली में जाइए, अगर आप बनारस या यूपी के आसपास कहीं पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाइए, तो ये आपके ऊपर है। JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सब में भी बड़े बड़े जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे में परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सारा चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगे। और एक है अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी अगर आप फॉर्म भरते हैं डांस के लिए तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। अलाहाबाद के आसपास अगर आप लोग हैं तो अलाहाबाद से भी ये डांस का जो है फॉर्म सीख सकते हैं। अलाहाबाद बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये डांस वगैरह के लिए, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करिए। और अगर आपको चाहिए वीडियोस इसके बारे में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बारी बारी से हर एक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कितना सीट है, क्या फ़ीस है, क्या प्रोसेसर्स है, एग्जामिनेशन मोड्स, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैं बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कि आप लोगों को किस यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो ये तो हो गया डिप्लोमा के बारे में कि आप कहाँ से कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिप्लोमा कोर्सेज। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन के बारे में। जैसे अगर आप प्राइवेट कहीं से डिप्लोमा करना चाहते हैं, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में किसी वजह से एडमिशन नहीं हुआ। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में बहुत हार्ड होता है टू गेट एडमिशन बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर अप्लाइंग एट द सेम टाइम। सो अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं कहीं से डिप्लोमा, वेदर इट इज़ इन सिंगिंग, डांसिंग और इंस्ट्रूमेंट, किसी भी फॉर्म में अगर आप
करना चाहते हैं प्राइवेट डिप्लोमा, तो हमारा जो है नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा जो है इंस्टीट्यूट चलता है बनारस में ही, BHU के अगल बगल ही है, और इसका नाम है सरस्वती म्यूज़िक क्लासेस। अगर आप इच्छुक हैं डांस में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या स्पेशली सिंगिंग में, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम सिंगिंग स्ट्रीम, ओके, तो अगर आप इन तीनों में किसी भी चीज़ में डिप्लोमा करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जूनियर डिप्लोमा, याद रहे जूनियर डिप्लोमा 4th ईयर का होता है, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम लोग टाई अप है, तो अगर आप करना चाहते हैं प्राइवेट या भारत में किसी भी कोने से हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप इच्छुक हैं कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आप हमें मैसेज ड्रॉप करें कि सर हम इंटरेस्टेड है, आई वॉन्ट टू लर्न, तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर दे दी जाएगी। जितने भी डिप्लोमा कोर्स है आप ध्यान में रखिए, ओनली इंडियन इंस्ट्रूमेंट एंड इंडियन डांस फॉर्म्स, कहीं गिटार वगैरह के लिए आप मत पूछ लीजिएगा, क्योंकि गिटार का कहीं पे भी कोर्स नहीं इंडिया में, एक्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें भी गिटार का ही केवल क्लासिकली सिखाया जाता है, ठीक है, उसमें स्ट्रमिंग वगैरह बॉलीवुड सॉन्ग नहीं चलते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा में इंटरेस्टेड है कि आप घर से ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, वेदर यू आर इन बनारस तो आप ऑफलाइन मेरे से फेस टू फेस क्लासेस ले सकते हैं, तो अगर आप इच्छुक हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, मैं वहाँ पर सारी जानकारी आपको दे दूँगा। सेकेंड चीज़, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, सपोज़ कि एक्चुअली म्यूज़िक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है इधर उधर, तो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो व्हाट्सएप का जो है नंबर है जो कि स्क्रीन पर शो कर रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप पर हमें लिख के भेजिए कि सर आप मेरे ग्रुप से जोड़ दीजिए, मेरा ग्रुप है ठीक है व्हाट्सएप का, उसमें मैं आपको जोड़ दूँगा। उसमें कोई भी वीडियो आता है मेरा, हम उसमें सबसे पहले पोस्ट करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सबसे पहले पोस्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, इसके लिए हमेशा कभी कभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो आप लोग देख ही होंगे पिछले 6-7 महीने से नए वीडियो बना रहा था मैं, तो मैं व्हाट्सएप पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप अगर हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें लिखिए, तो उस पर मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूँगा। और सेकेंड चीज़, अगर आप भी किसी ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं, सपोज़ कि आपका कोई ग्रुप है और आप उसके एडमिन वगैरह है, तो आप हमें उस ग्रुप से जोड़िए, मैं वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या गायन से पर्सनली क्लास करना चाहते हैं, आपको डिप्लोमा नहीं करना है, बस सीखना है, जस्ट यू वांट टू लर्न, और प्रोफेशनल गिटार क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनली गिटार सिखाया जाता है, बॉलीवुड स्टाइल उसमें सिखाया जाता है, बॉलीवुड में हर एक स्ट्रमिंग, हर एक रिदम, हर एक चीज़ें जो है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है क्लासिकल सिंगिंग में और गिटार लर्निंग में, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों के जरिए आपका क्लास लेते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करें थोड़ा सा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार वीडियो में बताने से वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को थोड़ा चेक किया करिए हमेशा। इस वीडियो के अंत में भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको उसमें हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगा, मेरे बारे में जानकारी मिल जाएगा, मैं क्या करता हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, और सारी चीज़ें जो मैं वीडियो में बताता हूँ, मैक्सिमम चीज़ रिटर्न फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में रहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।